तो गाइस वेलकम बैक, हो गया आप लोग का अंशु बिस्ट पे, और आज हम लोग खेलने वाले हैं वो गेम जिसका मैंने 2 महीने पहले तुमसे पोल लगा के पूछा था, GTA 5 देखोगे क्या? हाँ तुम डालोगे तो देख लेंगे। मतलब कहने का मतलब है ना, तो दोनों में से किसी में नहीं बोल रहा था, पर 2 महीने लग गए वीडियो बनाने में। कोई बात नहीं, आई होप आप लोगों को मजा आएगा। और गाइस कुछ कांड हो गया हमारे साथ GTA 5 में, तो हम लोग उसी को देखते हुए बना रहे हैं आज वीडियो, तो रेडी रहो उस चीज के लिए। लेकिन उससे पहले गाइस इस वाली वीडियो का लाइक गोल रखते हैं हम लोग अराउंड 70,000 लाइक का, तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। गाइस 65:35 का रेशियो है, अगर आपने अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, कहने का मतलब है अगर। ओके तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं GTA 5 में बिल्कुल सही। और भाई ये सुनो, एक बहुत ही खतरनाक बात हो गई है हमारे साथ यहाँ पर, लेकिन वो मैं तुम लोगों को आगे जाके बताऊंगा कि क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। बट उससे पहले गाइस मैं ये बाइक को जरा अंदर रख देता हूँ, ठीक है, उससे पहले। लेकिन मैं जरा ये बाइक को अपने गैराज में डाल देता हूँ, ठीक है। और इस बाइक के साथ साथ यस, ये बाइक मैंने कुछ माफिया से निकाली थी और ये बाइक मुझे देनी थी कायदे से अंकल को, लेकिन मैं अंकल को दिया नहीं और अब वो मुझे गालियाँ बक रहा है कि मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था और तूने सिखाया क्या ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अरे 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 ओके गाइस ये गलती से हुआ है, ठीक है अंकल। देखो मैं भाई, ये होती है सेफ्टी, ठीक है, इसको बोलते हैं गाइस रोड सेफ्टी, ठीक है। आप हेलमेट गाड़ी के अंदर भी मत उतारो भाई, ये होती है बात, देख रहे हो। चलो ठीक है, आई होप मेरा गैराज बंद हो जाए। यस, तो दोस्तों हमने दोनों गाड़ी अपनी लगा दी हैं, एक बार चलते घर के अंदर और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हो रहा है। तो गाइस जिसको पता नहीं है, मेरा एक छोटा भाई था, ठीक है, वो छोटे भाई को कोई उठा के ले गया, तुम समझ रहे हो। और ये मेरी आंटी है जिनका लड़का है वो, तुम समझ रही हो भाई। मेरे चाचा का लड़का गायब हो चुका है यहाँ से, मैं कितने टाइम से उसे ढूंढ रहा हूँ पर वो मिल नहीं रहा है। मैं कॉल लगाती हूँ, मैंने रिपोर्ट तक लिखवा दिया बट वो मिल ही नहीं रहा है। और कुछ तो उसने कर रहा था यार, वो गैंग वैंग वालों के साथ मिलके कुछ कर रहा था, तो मुझे लग रहा है मेरे को एक लाइक एक नॉच है कि हाँ हो सकता है कि उसे गैंग वालों ने उठाया होगा, पर मुझे कुछ कन्फर्म नहीं पता है। उसके लिए मेरे को उन लोगों के साथ थोड़ा घुलना मिलना पड़ेगा और पता करवाना पड़ेगा कि आखिर मेरा भाई है कहाँ। और ये मेरी आंटी को देखो, इनको लिटरली इनका बेटा गायब हो गया, ये यहाँ पर सिगरेट फूक रही है और पता नहीं किससे बातें कर रही है। वैसे थोड़ा सैड तो है बेचारी, ये देखो ये पागल हो गई है मेरी आंटी यार। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात ये कि देखो, जो गैंग है जिसने उठाया है, ठीक है, वो गैंग को गाड़ियाँ बहुत पसंद है, ठीक है, और मेरी इस खटारा गाड़ी से तो वो लोग पसंद होने वाले नहीं है, तो वो लोग मुझे अपने ग्रुप में लेंगे नहीं। तो मुझे चाहिए एक खतरनाक गाड़ी, ठीक है, और वो खतरनाक गाड़ी मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो कौन सी है भाई। वो लिटरली इस पूरे वर्ल्ड की, जो पूरा लॉस सैंटोस में सबसे बढ़िया गाड़ी है वो, समझ रहे हो, वो लिटरली सबसे ज्यादा महंगी और सबसे ज्यादा खतरनाक गाड़ी है। बट उसको लेने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा और वो बहुत सारा पैसा यार हम लोग सीधे काम से नहीं ले पाएंगे कि ऐसा कूड़ा उठा दिया या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, तो उनसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा उल्टा काम, तो देखते हैं। मैं एक बार माइकल के पास जाता हूं और उससे बात करता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं गाड़ी जिसको मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने ये ले ली ना तो मैं गारंटीड उन गैंग मेंबर्स के बीच में तो आराम से जा सकता हूँ। बट देखते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। पहले चलते हैं सीधे माइकल की तरफ को, जिसको पता नहीं है भाई माइकल बहुत अमीर बंदा है, ठीक है, माइकल हद से ज़्यादा अमीर बंदा है और उसके पास बहुत पैसा है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग उसके साथ काम करेंगे, वो सीधा काम तो करता नहीं है बट अगर हम लोग उसके साथ काम करेंगे तो शायद से हम लोगों को उस गाड़ी के लिए पैसा जमा करने में बहुत आसानी होगी। तो चलो चलते हैं फटाफट से एक बार माइकल के घर पे और देखते हैं कि वो क्या हमें जॉब देगा, क्या करेगा यार। उसका लड़का तो बहुत ज़्यादा अजीब है ब्रो, उसके लड़के से मेरे को भाई चिढ़ है, सही बताऊँ तो भाई वो पता नहीं क्या अजीब अजीब हरकतें करता है भाई। वो भाई पता नहीं, वो दिन भर गेम खेलता रहता है और कुछ नहीं भाई, समझ रहे तुम लोग, दिन भर कंप्यूटर पे। एक मिनट, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ। नहीं नहीं सुनो, उनका लड़का अच्छा है बट वो थोड़ा सा पागल जैसा है। ओके तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए माइकल के घर तक का, ठीक है, यहीं पर ये रहा, आगे जाके लेफ्ट लेना है और ये हम आगे माइकल के घर पे, ठीक है, बस इसके एंट्रेंस ये हमें, हाँ ये रहा, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं माइकल के घर पे सीधे। वाओ वाओ वाओ, अरे भाई यार देख रहो भाई, इतना पैसा अगर हमारे पास हो तो हम वो गाड़ी लेके अपने भाई को बचा पाएंगे यार, लेकिन देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। चलो चलते हैं अंदर, देख के आते हैं क्या माइकल कुछ जॉब है उसके पास हमारे लिए या फिर खाली फालतू में बुला रहा है। ओके तो दोस्तों ये रहा माइकल, ठीक है, ये बैठा हुआ है, पता नहीं सिगरेट पी रहा है और दारू पी रहा है भाई। हेलो, दीज थिंग्स आर इंजीरियस टू हेल्प, डोंट डू इट, ओके। उसके पास बहुत पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? अब इसने हमें काम तो दिया है पर ये शायद से मना कर रहा है हमें काम देने के लिए अब दोबारा। यार रॉब मी अगेन, मैन आई नेवर रॉब्ड यू,
हमने बाय द वे इसकी गाड़ी चुरा ली थी जिसको पता नहीं है. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. भाई पता नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा है हमें नौकरी देगा यार. भाई कुछ भी भाई, चोरी चकारी गला मर्डर सब करता हूँ मैं यार. If you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love, hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe, if you're lucky, you become a three-bit gangster. भाई मुझे वही तो करना है, मुझे उन्हीं गैंगस्टर्स के बीच में तो जाना है यार. मुझे अपने भाई के बारे में पता करना है कि वो है कहाँ, क्या कर रहा है, और भाई यार मुझे उसे बचाना है कैसे भी, वरना मेरी आंटी मुझे छोड़ेगी नहीं भाई. हो लीस्ट आई कैन डू इज बाय यू दैट बियर. देयर्स अ लिटिल बार आई लाइक. ओके, नॉट टू फार फ्रॉम हियर, लेट्स गो. ओके दोस्तों, शायद से माइकल हमें कुछ जॉब दे सकता है. ओ भाई गाइस, माइकल का बेटे को भाई भाई ये बहुत फनी चीज हो गई भाई. माइकल का बेटा कोई बोट लेने जा रहा था और उसके बाद उसको पकड़ के लेके वो लोग और उसकी बोट भी ले जा रहे हैं. Hey man, look, if I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. भाई 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 भाई, तो गाइस हम लोगों को अभी जल्दी से जाना है और उसके बेटे को बचा के लेके आना है. लाइक लिटरली उसका बेटा उसकी बोट लेके चले गया और अभी वो लोग लिटरली वहां पर लड़ रहे हैं ब्रो बोट के लिए. वो लोग इसकी बोट उठा के लेके आने वाले. ओके तो दोस्तों हम लोगों को इसको हेल्प कर रही है, ठीक है. और अभी अगर हम लोगों ने इसकी हेल्प करी तो वो बोल रहा है कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा और शायद से तुम्हें फ्यूचर में कुछ अच्छे काम भी दे सकता हूँ. तो चलो चलते हैं, पहले इसके बेटे जिमी को बचा के आते हैं. भाई पता नहीं इसके, भाई मैं तुम्हें बता रहा था थोड़ी देर पहले कि मेरे को इसका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है भाई. पता नहीं, मतलब समझ रहे हो, वो होते हैं ना भाई कि कुछ भी. ओह दैट्स माय बॉय, व्हाट इन अ फकिंग हर्री मैन. या वेल वी विल कैच हिम. ओ भाई उसको बोट भगा के ले जा रहे लिटरली. यू गोना गो बोर्ड दैट थिंग. ओके चलो गाइस, दे गिव यू शिट, आई विल टेक हिम आउट. हम लोगों को कैसे भी इसके बगल में लेके आनी है बोट, ठीक है. फ्रैंकलिन चढ़ने की ट्राई करने वाला है भाई. मेरे को नहीं पता कैसे होने वाला है काम, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं. ओ भाई 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 भाई, ये बहुत डेंजरस है ब्रो, गलती से भी फ्रैंकलिन गिर ना जाए. अरे यार भाई वो लिटरली भाई उसको बंदे भाई वो बंदों पे चढ़ाते भी चल रहा है ट्रक. कर रहा हूँ ब्रो, कर रहा हूँ यार. ओके लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस. भाई फ्रैंकलिन चढ़ चुका है ऊपर. उसका बेटा आ गया, नाइस. ओ भाई अच्छा वो गुंडा है ब्रो. यस लेट्स गो, लेट्स गो. भाई छोड़ो भाई यार, ये तो आगे ही नहीं जाने दे रहे यार. लेट्स गो भाई 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 भाई, क्या प्रॉब्लम में फंस गए हम लोग यहाँ पे यार. वेट अ मिनट, अगर मैं ड्राइवर को मार दूं तो शिट यार भाई, ये गाड़ी. ओके रुको. बैट. अरे यार ब्रो, ओ भाई वो कौन है. ओके लेट्स गो, हम लोगों ने उसको तो बचा लिया. भाई यार ओ यार, इसका बेटा क्या गधा है ब्रो, कौन चढ़ता है ऐसे. चलो बढ़िया, बेटा पकड़ लिया. अब फ्रैंकलिन की बारी. फ्रैंकलिन आ जा ब्रो. भाई चल फ्रैंकलिन आ जा ब्रो. अरे यार ब्रो, भाई वो क्या भगाए जा रहा है यार, ये ट्रक है क्या है. चलो ठीक है, नाइस. अरे अंदर आप रो, कुछ नहीं दिख रहा है.
ओ भाई गाइस मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि बोट गई यार। भाई भगाओ भगाओ गाड़ी भगाओ, बोट कैसे भी चाहिए ब्रो। भाई गई भाई वो बोट चली गई यार। अब यार अब माइकल हमें पता नहीं जॉब देगा नहीं देगा आगे। अब हमें लॉस सैंटोस कस्टम जाना पड़ेगा अभी के अभी ब्रो, गाड़ी ठीक करानी पड़ेगी यार। It's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fit. My boat. It's just a thing. My boat. भाई ये पिट गया भाई, आज ये माइकल के हाथ से गया भाई। I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, भाई हेलो गालियां कैसे दे रहे हैं? All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Wow. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. भाई इसका बेटा मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसका बेटा बिल्कुल पागल है ब्रो। ये कुछ भी बोलता है ब्रो। Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? No problem. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thanks, man. Hey, so you do much yachting? Not anymore. Okay, no. तो दोस्तों मेरे ख्याल से, I'm not sure, but शायद से हमने माइकल को थोड़ा इम्प्रेस तो कर दिया है ब्रो। हम लोगों ने लिटरली अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखा दी, हमने सब कुछ कर दिया है, तो मे भी हमको माइकल को जॉब दे सकता है। बढ़िया बढ़िया। भाई ये गाड़ी अभी तक चल कैसे रही है मेरे को लिटरली नहीं पता, क्योंकि ये खत्म हो चुकी है यार। तुम एक बार उसके इंजन से आवाज़ आती हुई देखो भाई, खत्म बिल्कुल यार। लेकिन देखते हैं ब्रो, मेरे ख्याल से हम लोगों ने माइकल को थोड़ा बहुत तो इम्प्रेस कर दिया और माइकल हमसे खुश है। अब अगर ये हमें आगे जाके कोई ऐसी जॉब देता है जिसमें हम थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं, तो अगर मैंने वो गाड़ी ले ली ना तो भाई हम लोग कर सकते हैं यार, हम लोग कर सकते हैं, अपने भाई को बचा सकते हैं। बट देखते हैं अभी के लिए। ओके ओके भाई देखो भरोसा तो हो गया, ठीक है गाड़ी छोड़ के जा रहा है हमारे पास और अपना लड़का भी छोड़ के जा रहा है वैसे तो। It's all good though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Bye. ये इसका लड़का गधा है भाई, इसका लड़का लिटरली गधा है ब्रो। उसकी बोट चलेगी ब्रो, कितने पता नहीं कितने थाउजेंड डॉलर्स की होगी यार वो, उसकी बोट ही चलेगी बेचारे की। Come on, man, let's get in there. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Okay, मैं यहाँ पे रेस करने नहीं आया हूँ, अभी के लिए मैं जस्ट गाड़ी रिपेयर करने आया हूँ, ठीक है। और ये मेरी गाड़ी है नहीं तो मैं इसमें कुछ ऐसा खतरनाक करवाऊंगा नहीं, तो चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी एकदम भाई ये क्या सही बंदा है, देख रहे हो तुम लोग, इसने गाड़ी एकदम चमका दी ब्रो, नई जैसी बना दी है। और तुम इसमें ध्यान दोगे ना, ये बिल्कुल एकदम एमजी जैसा साइन है इसका। I've never had a job. भाई इसका लड़का पागल है ब्रो, like literally. Kind of disappear. Hey, you play right to slaughter? कुछ भी बोल रहा है ब्रो। Okay. चलो गाइस हम लोग जाते हैं, इसके लड़के को छोड़ के आते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ जो कि सबसे बेस्ट गाड़ी है। और उसके बाद भी अगर हमने वो ले ली ना तो आई एम प्रीटी डैम श्योर कि शायद से हम लोग वहाँ पर अंदर जा सकते हैं उन गैंग्स के बीच में, और उसके बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा भाई क्या कर रहा है, कहाँ पर है और कैसा है ब्रो। मोस्ट प्रॉब्ली उसी गैंग ने हमारे भाई को किडनैप किया हुआ, बट देखते हैं अभी क्या होगा। Strip clubs. Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your number. Shit, I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. Okay, तो दोस्तों देखो हम लोगों ने उसके भाई को छोड़ दिया, ठीक है। और ये देखो, yo F dog, I have added you on the Life Invader. अच्छा हाँ, यहाँ पर Life Invader होता है, like Facebook, WhatsApp, इन सब जगह चीज़ों की जगह। तो वो है, पता नहीं इसका भाई, इसका बेटा तो लिटरली हमारे पे चेप हो रहा है, तो मे भी हम लोग इसका भी देख सकते हैं यार थोड़ा बहुत, क्या पता हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं हमारे मिशन में, क्योंकि हमारा मेन मिशन तो वही है यार कि हमें अपने छोटे भाई को कैसे भी करके बचाना है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें वो गाड़ी दिखाता हूँ। ये सारी गाड़ियाँ देख रहे हो तुम लोग, ये तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये कितनी खतरनाक कितनी प्यारी गाड़ियाँ हैं भाई, अरे भाई क्या मज़ा आ गया ना, बट एक्चुअल में दीज कार्स आर नथिंग ब्रो।
अगर मैं तुम लोगों को उसके पास ले गया तो भाई वो इतना अमीर बंदा है, उसके पास ऐसी गाड़ी है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो चलो फटाफट से चलते हैं उसके घर पर और मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ जो कि इतनी खतरनाक है कि वो हम लोगों को एक लिटरल भाई इतनी बड़ी गैंग के बीच में लाने में आसानी से वो हो सकती है, हेल्प हो सकती है। हमें सिर्फ एक रेस में पार्ट लेना पड़ेगा और वो कार हमें गारंटीड रेस जीतने में पूरी मदद करेगी ब्रो, ठीक है। तो हम लोगों को अगर वो रेस जीत जाते हैं तो गारंटीड हम लोग गैंगस्टर्स के बीच में आ जाएंगे, लेकिन हमें उससे पहले वो खतरनाक और फास्ट गाड़ी चाहिए। मेरे ख्याल से तो वो पूरे के पूरे GTA 5 में सबसे फास्ट गाड़ी है। तुम लोग लेकिन मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सबसे फास्ट गाड़ी है या फिर तुम लोगों को अदरवाइज लगता है कि दूसरी गाड़ी तुम जानते हो जो कि इससे भी ज़्यादा तेज़ है। क्योंकि सच्ची बताओ तो मैंने आज तक का इतनी तेज़ गाड़ी देखी नहीं है ब्रो, ठीक है। और एक बारी मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ, उसके बाद तुम जज करना कि क्या ये गाड़ी फास्ट है या नहीं। ओके तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और वो इन्हीं में से एक घर के अंदर खड़ी हुई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मेरे ख्याल से ये वाला घर था। हाँ ये जिसको पता नहीं गाइस ये प्रेसिडेंट के बेटे का घर है, ठीक है। तो ये बंदे के घर में रहती है। ओके ओके इसकी गार्डनर भी यहीं पर है, मुझे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ना सिक्योरिटी रहती है, बट आई गेस आज संडे है तो मे बी उसकी वजह से ना रहे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा छुपते छुपाते हुए चलेंगे, मैं तुम लोगों को वो गाड़ी दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। भाई वो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है, तो एक बार देखते हैं। ओके तो दोस्तों यही वाला घर है शायद से। वो रही गाइस, वो रही भाई साहब, भाई बुगाटी 300 SS सुपर स्पोर्ट भाई। अगर मैं भाई साहब अगर मैं जा पाया ना गाइस, अगर ये गाड़ी मेरी हो गई, ठीक है, मैं यहाँ से चोरी नहीं कर सकता अभी क्योंकि मेरे पास देखो सीधी सी बात है वेपन्स के नाम पे कुछ भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इतने वेपन्स से मैं लड़ नहीं पाऊंगा और ना ही मेरे पास बैकअप है कि मैं किसी की हेल्प ले सकूं। अभी मैं यहाँ टाउन में किसी को भी नहीं जानता हूं। मेरे को सीधी सी बात है यार, सिर्फ मैं अपनी चाची तक का जानता था, लेकिन अब मुझे थोड़ा बहुत रैपो बनाना पड़ेगा अगर मुझे अपने भाई को बचाना है। और अगर ये गाड़ी मेरे हाथ पे पड़ गई ना अभी के लिए, तो मैं इसको खरीदने की सोच रहा हूँ, यहाँ से मैं चुरा सकता नहीं हूँ। देखो वो बैठा हुआ है प्रेसिडेंट का बेटा, ठीक है। तो ये रही गाड़ी, एक बार पास से देखने चलते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं अगर हम लोग जा पाए तो, ठीक है। चुपचाप चलते एकदम, अरे 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 नहीं फिसलना नहीं, फिसलना नहीं ब्रो, उसको आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। ओके ओके देख तो नहीं रहना वो, हमें देख तो नहीं रहना बस, हाँ ओके वो नहीं देख रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, देखो गाइस एक मिनट, पहले यहाँ से इस पेड़ का कवर ले लेते हैं, ठीक है, वो बस हमें देख ना ले दोस्तों, ठीक है। तो ये है देखो, ये किसी काल नाम के बंदे की, ओके तो शायद से प्रेसिडेंट के बेटे का नाम काल होगा मोस्ट प्रॉब्ली। गाइस ये देखो, ये है वो गाड़ी, ठीक है। और ये गाड़ी अगर हम लोगों ने खरीदी दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा फास्ट गाड़ी है इस पूरे गेम में ब्रो, लिटरल बुगाटी 300 सुपर स्पोर्ट ब्रो, क्या दिखने की, क्या मस्त गाड़ी है ना। और मैं ऐसे घूम रहा हूँ इस गाड़ी के आसपास, भाई साहब जस्ट लुक एट दिस व्हीकल यार ब्रो। अगर ये मेरे हाथ पे पड़ गई तो मैं कोई भी रेस आराम से जीत जाऊँगा, ठीक है। बस हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने व्हीकल स्किल्स पे, बट अगर ये गाड़ी हमारे हाथ पे पड़ गई ना ब्रो, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी रेस जीत सकता हूँ। और अगर मैं रेस जीत गया तो मैं उन गैंगस्टर्स के बीच में जा सकता हूँ और पता कर सकता हूँ कि आखिर उन लोगों ने मेरे भाई के साथ करा क्या, या फिर मेरा भाई वहाँ है भी क्या नहीं। क्योंकि यार वो लिटरली 3 दिन से घर नहीं आया, मेरी आंट पागल हो चुकी है और वो सीधी सी बात है यार वो मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रही है ये चीज़ कि मैंने किया हुआ है। क्योंकि सीधी सी बात है मैं अपने छोटे भाई को अपने साथ ज़्यादा रखता नहीं था, लेकिन अब हम लोगों को देखना है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं कर सकते। तो हमें ये गाड़ी चाहिए। आई होप मैंने माइकल का थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट जीत लिया होगा, ठीक है। अगर मैंने उसका थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट जीत लिया होगा ना दोस्तों, तो हम लोग आगे उसके साथ कुछ तो खतरनाक यार कुछ तो हाइस्ट करेंगे जिससे हम लोग थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने ये पैसा जमा कर लिया और ये गाड़ी ले ली, तो उसके बाद हम लोग सीधे गैंगस्टर्स के बीच में दोस्तों। बट उससे पहले यार, यार ये क्या गजब गाड़ी है ब्रो, मजाक से रखते यार, ये क्या खतरनाक गाड़ी है ब्रो, ये अगर हम लोगों के हाथे पड़ गई तो मज़ा आ जाएगा। ओके तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मजा आएगी, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया यार। हम लोग लिटरली एक स्टेप आगे बढ़े हैं बुगाटी शीरॉन 300 सुपर स्पोर्ट के भाई। अगर हम लोग वो गाड़ी खरीद पाए माइकल की हेल्प लेके, तो भाई हम लोग अपने छोटे भाई को बचा सकते हैं। मुझे बताना अगर आप लोगों को ये GTA 5 सीरीज अच्छी लग रही है कमेंट सेक्शन में, और हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे आगे को। भाई 2 महीने बाद मैंने ये वीडियो आपको दिया, आई एम रियली सॉरी, बट अब मैं कंटिन्यू करूंगा, ट्राई करूंगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी आए। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, पहले लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, तुम्हें पता है 70,000 लाइक्स का गोल है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, ओनली 35% ऑफ पीपल हु वॉच दिस वीडियो आर सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। और बाकी मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।